हाँ ठीक है, हो गया 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 हाँ 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे ही होंगे। देखिए आज हमारे पास एक पेशेंट आई हुई है, इनका जो पैर है ना, देखिए क्लोज दिखाते हैं, इनका पैर में कुछ खुजली वाला इशू हो गया था, जिससे देखिए इनका पैर से थोड़ा खून भी निकल रहा है। और ये सब हो रहा है क्योंकि वेदर चेंज के कारण इनका कुछ स्किन में रैश हो गया है, और रैश के लिए ये एंटीबॉडी इंजेक्शन है जो हम इन्हें देने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, वो खुजली के कारण नाखून लगने के कारण ब्लड भी निकल रहा है, बहुत तेज खून निकल रहा है इनका। क्या हालत हो गया है इनका, अभी इंजेक्शन देने के बाद कुछ ही हफ्तों में सब सब ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से इंजेक्शन लगता है। देखिए इंजेक्शन तो रेडी हो गया है, अभी ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ये इंजेक्शन जो है ना, जो कमर है, कमर पे लगता है, मसल पे लगता है। इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ सब ठीक है। ये जो इंजेक्शन है एक कमर पे लगाना पड़ता है क्योंकि मसल पे देना होता है इंजेक्शन, कमर पे तो बढ़िया रहता है। अभी इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा सा खींच के देखना पड़ता है कि ब्लड वगैरह आ रहा है कि नहीं। अगर ब्लड नहीं आए तो मान लीजिए कि इंजेक्शन सही से मसल पे ही लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा थोड़ा सा हिले मैडम, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया 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 हाँ 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 हो गया 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 सब कुछ ठीक। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।